चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जहां दुर्ग के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के पोटिया में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी दुर्ग पुलिस ने सुलझा ली है। 17 मार्च को एक युवक की हत्या कर दी गई थी। मृतक की पहचान तोप चंद रितलहरे के रूप में हुई थी। पुलिस ने बताया कि मृतक का अपने दोस्तों के साथ विवाद हुआ था। विवाद के चलते आरोपियों ने युवक की हत्या कर दी थी। इसी मामले में पुलिस ने एक आरोपी अनिल नौरंगे को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे आरोपी वीरू सतनामी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इन दोनों आरोपियों ने अपने दोस्तों चंद्र तलेरे को शराब के नशे में मौत के घाट उतारा था। आरोपी अनिल नौरंगे ने जुर्म कबूल करने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल भेजा गया। नागपुर थाने के अंतर्गत मनीष पेट्रोल पंप के पीछे 18 मार्च को सुबह लगभग 7:45 बजे के करीब एक डेड बॉडी पाई गई। उसको आइडेंटिफाई किया गया। उसका नाम, जिस जो व्यक्ति मृत था उसका नाम था तोपचंद रितलहरे। और पूछताछ पर यह पता चला कि ये लोग 17 तारीख को यानी पिछले दिन लगभग दोपहर के 12 बजे 6 लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे पार्टी के लिए। उसमें से थोड़ी देर के बाद 3 लोग वहां से चले गए और 3 लोग वहां बचे थे और वो हैवीली इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में थे। उनके बीच में पहले भी विवाद हुआ था लगभग 4 महीने पहले और उस दिन भी वो उसी विवाद के चलते झगड़ा हुआ। उसमें से 2 लोग जिनका नाम था अनिल नवरंगे और वीरू सतनामी, उन्होंने तीसरे व्यक्ति यानी कि तोपचंद रितलहरे का कत्ल कर दिया उस दिन एक पत्थर का इस्तेमाल करते हुए। और उसमें आज हमने सुबह अनिल नवरंगे को अरेस्ट किया और वीरू सतनामी ने आज ही कोर्ट में सरेंडर किया है और हम उसमें पुलिस रिमांड लेंगे।